एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई भिड़ंत। कांग्रेस छात्र इकाई एनएसयूआई ने भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े के एक बयान को लेकर राजधानी जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के बयान के खिलाफ एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक की तरफ से बीजेपी कार्यालय की तरफ कूच करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान जमकर कार्यकर्ताओं और पुलिस में भिड़त हो गई। ये देर से जागता है? नहीं नहीं, देर से नहीं जागता। हमने दिल्ली में आंदोलन किया, पूरे कल हमारे पूरे राजस्थान में अंदर हमारी एनएसयूआई की टीम ने आंदोलन किया। आज हम जिले हेडक्वार्टर पे जो है आंदोलन कर रहे हैं। हम प्रत्येक जिले में हमने इस पे जो है आंदोलन किया। पर आपको लगता नहीं कि आप ये यहाँ से आप मुश्किल से करीब 100 मीटर चले हैं, अभी पुलिस आगे है, इसके आगे का क्या आपका प्लान है? हम बीजेपी कार्यालय के बाहर जाएंगे, नारेबाजी करेंगे, उनको चेताएंगे कि आप ऐसे किस तरीके से जो है भारतीय संविधान को जो है खत्म करने का काम करते हैं, आपके नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। अब हम लोग करेंगे, मशक्कत करेंगे। पुलिस ने तो पूरी बैरिकेडिंग लगा रखी, आगे तक पूरी तामझाम लगा रखे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ने का काम करेंगे। हम लोग पूरी ताकत दिखाएंगे कि हम संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, इनसे डरने वाले लोग नहीं है। चाहे जितनी पुलिस लगाएं लगा लें, इनके गुंडे बुलाने हैं गुंडे बुलाएं। क्या डर है आपको? क्या लगता है बीजेपी अगर 400 से ज्यादा सीटें आ जाती है तो क्या आपकी आपके हिसाब से मंशा क्या है बीजेपी? देखिए, पहली बात तो 400 से ज्यादा सीट, उनकी 400 सीटें नहीं आएंगी। देश में विपरीत माहौल है, युवा परेशान हैं। आप शहीद स्मारक खड़े हैं, आप जाके देखिए किस तरीके से इनके यहाँ सरकार बदले, अभी सरकार बने अभी 3-4 महीने भी नहीं होंगे, किस तरीके से जो है यहाँ युवा परेशान हैं। पहले दिन से महंगाई बेरोजगारी को लेके जो है युवा त्रस्त है, बेरोजगार है, परेशान है। तो देश में विपरीत माहौल है। ये सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं, सांप्रदायिक बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान धर्म मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, पर अब युवा जाग गया है, वो रोजगार के मुद्दों पे जो है देश में वोट करेगा, वो महंगाई पे जो है वोट करेगा। वहीं यहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प के दौरान कई कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गए, कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। इस दौरान जमकर पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी भांजी और प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन पुलिस की वैन में बिठाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस से धक्का मुक्की हुई। लेकिन एक बार फिर पुलिस ने लाठियां भांजकर कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने की कोशिश की और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस वैन में बिठाकर शहीद स्मारक से विद्याधर नगर छुड़वाया। वहीं यहां घायल हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस हमारे ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठियां भांज रही है, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। देखिए, हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए थे, हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन देना चाहते थे, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी के सांसद के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि हमारी 400 सीटें आ जाएगी तो हम संविधान को बदल देंगे, इसी के विरोध में हमने प्रदर्शन किया। हम शांतिपूर्वक सारे कार्यकर्ता कमिश्नरेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के इशारों पर, सरकार के इशारों पर, पुलिस के कुछ आला अधिकारियों ने निर्देश दिया कि इन पर लाठीचार्ज किया जाए। हमें मारा, पीटा, घसीट के हमें गाड़ियों में लेके गए, गाड़ियों से लात तार तार के बाहर निकाल के गए, फिर वापस घसीट रहे हैं ये लोग। हमें अधिकार, वो हमारे अधिकारों के लिए हमें प्रदर्शन नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इन बीजेपी के लोगों को, सरकार के लोगों को, आप कितनी भी पुलिस का प्रयोग कर लीजिए, कितना भी हमारा दबाने का प्रयास कर लीजिए, लेकिन हम डटने दबने वाले नियम कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता है, संविधान को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ बदलने नहीं देंगे हम लोग। कहाँ का मारा आपने? चोट के निशाने बता रहे थे, कहाँ मार, कहाँ लगी? देखिए, आप देखिए, चोट के निशान कई जगह मारा, अंदर की चोट इन्होंने मारी, कई प्रकार से इन्होंने मारा। कितने कार्यकर्ता हैं जो अभी बस में गए हैं, कितने की गिरफ्तारी? सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, बस पूरी भर चुकी है। हम यहीं अभी डटे हुए हैं कि जब तक हमारी मांग नहीं मान लेते तब तक हम वापस प्रदर्शन करेंगे इसी यहां से। तो आपके कार्यकर्ता तो अभी गए हैं यहां से, फिर वापस कैसे प्रदर्शन करेंगे? कार्यकर्ता कई लोग वहां हैं, अभी भी बैरिकेड के पास हमारे कई कार्यकर्ता डटे हुए हैं, वही कार्यकर्ता गए हैं जिन्होंने जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता यहां डटे हुए हैं हमारे। किसके नेतृत्व में किया था आपने? एनएसयूआई परिवार के नेतृत्व में। जाखड़ जी भी थे, उनको भी गिरफ्तारी दी गई, उनकी गिरफ्तारी की गई? हाँ, विनोद जी की भी गिरफ्तारी हुई है, एनएसयूआई परिवार के कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। अभी आप कहाँ तक जाने का था? कमिश्नरेट से जाना था, बीजेपी कार्यालय तक जाना था? हम कमिश्नरेट को ज्ञापन दे, शांतिपूर्वक ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमें ज्ञापन भी नहीं देने दिया। महेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था, जिस तरीके से सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं संविधान को हम बदल दे देंगे एक बार अगर हमारी सरकार आती है, तो इसी के विरोध में आज उन्होंने प्रदर्शन किया था। लेकिन यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, कईयों की गिरफ्तारियाँ की गई, लेकिन अभी भी ये लोग यहाँ डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक हम हमारे ज्ञापन कमिश्नरेट में नहीं दे देते तब तक दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि अभी तक कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको यहाँ से बस के द्वारा ले जाया गया है।
तो अब देखने वाली बात है कि एनएसयूआई का आगे स्टैंड क्या रहता है। झड़प को लेकर पुलिस अधिकारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने यहां पर पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की, जिसके चलते हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और पुतला दहन के बाद में इन लोगों ने, चूंकि कॉल यही था कि बीजेपी कार्यालय की तरफ ये लोग कूच करेंगे, तो जैसे ये लोग पुतला दहन करके बीजेपी कार्यालय की तरफ रवाना हुए तो हम लोगों ने इन्हें रोका, और रोकने के दौरान ये लोग धक्का मुक्की करने लग गए, यानी कि जबरदस्ती से जाने की इन्होंने कोशिश किया और हम लोगों ने इनको रोक दिया, और रोक करके हमने जो इनके 8-10 कार्यकर्ता थे उनको बस में बैठा करके 129 की कार्रवाई करके और विद्याधर नगर स्टेडियम पे इनको छुड़वाने के लिए भेज दिया। लाठीचार्ज के ऊपर किया गया, लाठीचार्ज नहीं, नहीं लाठीचार्ज कुछ नहीं किया। जब ये लोग धक्का मुक्की कर रहे थे तो हम लोगों ने भी इनको पुश किया,